मॉर्निंग असेंबली में हर बार लेट जाना, लाइन हर बार ग्रुप वाइज बनाना, प्रार्थना प्रतिज्ञा के बाद पैर दर्द हो जाना, फिर पेड़ के नीचे बैठने के बहाने बनाना, बकाव स्पीचों पर झूठी तालियां बजाना, आखिरी में वो पैर रगड़ते हुए क्लास में जाना, टीचर की बोरिंग बातों पर मुंह हाँ में हिलाना, लंच का वेट करते करते घड़ियां मिलाना, अपना खाना खा लेना फिर दूसरों का चट कर जाना, एक बीमार को लेकर चार का मेडिकल रूम जाना, दो तीन पीरियड फिर वहीं पर बिताना। गेम्स के पीरियड के लिए जिद पर अड़ जाना, सॉरी मैम कह कहकर टीचर को मनाना, वो मैथ की कॉपी हर बार घर भूल जाना, स्टाफ रूम में जाकर फिर गिड़ गिड़ाना, टीचर के सामने मासूम शक्लें बनाना, फिर दोस्तों के सामने रुस्तम बन जाना, बड़े होकर हमने सिर्फ इतना जाना, इस दिल की आरजू है फिर बच्चा बन जाना। आज भी केवी को याद कर ये आंखें भर आती है, केवी छूट जाता है, उसकी खुशबू रह जाती है, उसकी खुशबू रह जाती है। आने वाली सुबह जाने रंग क्या लाए दीवानी, मेरी चाहत हम
सपने ये सारे अब वीरान से लगते हैं, भीड़भाड़ वाले मैदान मसान से लगते हैं। जब कभी यादों की हम तख्तियां सजाते हैं, यादें सारी इसमें बस स्कूल की बातें हैं। दुख दर्द गम रंजिश हम सब कुछ भूल जाते हैं, पर काश एक आखिरी बार हम स्कूल जा पाते हैं, पर काश एक आखिरी बार हम स्कूल जा पाते हैं। याद है वो कंप्यूटर क्लास जिधर जाने से पहले बाहर जूते उतारने पड़ते थे और अंदर जाने के बाद हम फ्लैश और एमएस पेंट पढ़ा करते थे। एक कंप्यूटर पे दो लोग थे और रोल नंबर वाइज पार्टनर्स बनाए जाते थे। पूरे क्लास में वो सॉक्स की महक होती थी और जिसका नाम खुशबू था उसी के सॉक्स सबसे ज्यादा बास मारते थे। और याद है कंप्यूटर का भी टेस्ट होता था जिसको कोई बच्चा सीरियसली नहीं लेता था। उधर टाइम पास के लिए हम पिनबॉल ही खेला करते थे और टीचर से ज्यादा एटीट्यूड तो लैब असिस्टेंट में था। फिर जब बेल बजती थी और क्लास खत्म होती थी और वापस जूते पहनने की प्रक्रिया शुरू होती थी, फिर एक दोस्त तो ऐसा होता था जिसकी एक जूते को लेकर फुटबॉल खेला जाता था। वो भी बेचारे एक पैर में जूता पहनकर हमारे पीछे पूरा फ्लोर भागता था। तब कैसे ना कैसे करके हर जगह मस्ती ढूंढ लेते थे हम। याद है क्या वो दिन तुम्हें जब स्कूल में थे हम? याद है वो रिसेस टाइम जो भयंकर क्लासेस के बाद एक राहत थी? लंच तो हमने पहले ही कर लिया होता था, ये तो बस पूरा स्कूल घूमने की आजादी थी। सारी लड़ाइयों के टाइम इन्हीं 20 मिनट में फिक्स किए जाते थे और दूसरी क्लास के आशिक अपनी क्रश से इसी टाइम में मिलने आते थे। ये वो टाइम था जब क्लासेस खाली होती थी और हम उनमें फॉइल और लंच बॉक्स से क्रिकेट खेलते थे। ब्लेजर उतार के पूरे कॉरिडोर में अपने शिकार को फिर ढूंढने निकलते थे। उन दोस्तों से भी तभी मुलाकात होती थी जो सेक्शन चेंज होके बिछड़ गए हैं। और वो टॉपर लोग जो रिसेस में भी पढ़ते थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि अब तक बिल गेट्स बन गए हैं? वॉशरूम ही अपना वाटर पार्क था। एक दूसरे पे पानी की छींटे मारे बिना वहां से कहाँ निकलते थे। सबका एक अलग अलग अड्डा होता था, रिसेस में कैंटीन में नहीं तो अपनी उसी जगह पे सारे बैठे मिलते थे। वो फोर्थ पीरियड से ही समोसों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती थी और रिसेस आने तक तो पूरी कैंटीन लूट लेते थे हम। याद है क्या वो दिन तुम्हें जब स्कूल में थे हम? याद है वो पीटी पीरियड जो हफ्ते में एक बार होता था? स्कूल जाते हुए हर दिन बस उसी दिन का इंतजार होता था। रोज बारिश होती रहे बस उस दिन ना हो ये दुआ रहती थी, क्योंकि ग्राउंड गीला होता था तो खेलने की जगह भी तो नहीं मिलती थी। क्लास में दो तीन लड़के ऐसे होते ही थे जो अपने आप को प्रोफेशनल फुटबॉलर समझते थे। सब नंगे पांव खेल रहे होते थे और वो स्ट्रट्स पहन के खुद को रोनाल्डो समझ रहे होते थे, और कुछ हरामी लड़के जो बस लड़कियों में घुसे रहते थे। यहाँ मैच में पैसे लगे हैं और वो उनके साथ डॉजबॉल खेल रहे होते थे, और कोई दो तीन लड़कियों को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था। वो बस अपने में गुम, उनको ग्राउंड में सिर्फ वॉक ही करना होता था। ग्राउंड के बाद जब पसीने से लथपथ सब क्लास में बैठने आते थे, कड़ाके की ठंड में भी मैम पंखा चलाने दो ना किनारे जोर से लगाते थे। पीटी पीरियड वाले दिन छुट्टी हो तो अगले दिन ग्राउंड में जाने का तरीका भी ढूंढ लेते थे हम। याद है क्या वो दिन तुम्हें जब स्कूल में थे हम? याद है वो ट्यूशन क्लास जिसके कारण घर से अपना नाता टूट रखा था? स्कूल से आने के बाद घर में कदम रखो ही और वापस बैग पैक करके ट्यूशन जाना पड़ता था। स्कूल में खुद को स्कॉलर समझते थे क्योंकि ट्यूशन तो हमेशा स्कूल से आगे ही होता है। क्लास में कोई सवाल उठा तो बगल वाले दोस्त को रॉब से समझाते थे, अरे मैं बताता हूँ इसका आंसर मुझे आता है। मर मर के ट्यूशन जाने के बाद भी उधर लेट हो जाया करते थे। पता ही नहीं चलता था अपने मन से कब कौन से सरप्राइज टेस्ट हो जाया करते थे। क्लास खत्म होने के बाद अपने सारे यार वो मोमोज खाने निकलते थे। एक स्कूटी पे हम चार दोस्त बैठ के गली गली लड़कियां ताड़ने चलते थे। वहीं दूसरी ट्यूशन वाली से फिर आंखें चार हो जाती थी, और तब से अपनी बेस्ट कोचिंग अपने लिए सबसे बेकार हो जाती थी। दिन पूरे हुए नहीं और पूरा ट्यूशन फीस फीस चिल्लाने लगता था। याद है क्या वो दिन तुम्हें जब स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी जाना पड़ता था?
याद है वो स्कूल बस जिसने स्कूल तक के रास्ते में चार चांद लगा रखे थे। यादों में थोड़ी अंडररेटेड है पर यादें तो इसमें भी खूब सजा रखे थे। पहले तो विंडो सीट पे बैठने के लिए लड़ना, फिर पीछे वाले से विंडो के लिए झगड़ना, किसी दूसरे स्कूल की बस जब सामने से गुजरती थी कुछ लेना देना नहीं लेकिन फालतू में पंगे करना, नींद आती थी तो सोकर भी जाते थे, बचा कुचा लंच भी इसी में खाते थे। बस लेट हुई तो हमें वेट करना पड़ता था, हम लेट हुए तो सब छोड़ के चले जाते थे। जूनियर से लेकर सीनियर तक से इंटरेक्शन था, बिल्कुल वहां एक परिवार सा मौसम था। एग्जाम से पहले की रिविजन भी सफर में होती थी, सिर्फ स्कूल के अंदर ही प्यार नहीं होता, यहाँ भी कोई नजर में होती थी। साथ वाली सीट पे बैग रख के सीट घेरी जाती थी, रूट इंचार्ज भी लाइन में लगने के लिए बहुत दिमाग खाती थी। बस में अपने अलग ग्रुप के साथ अलग मजे होते थे, सीट तो किस्मत वालों की थी, अपने तो खड़े रहकर ही सफर होते थे। आज भी जब सामने से कोई स्कूल बस गुजरती है तो पुरानी सारी यादें वो ताजा कर देती है। हम याद करते हैं स्कूल को, क्लासेस को, पर कहीं ना कहीं स्कूल बस को भूल गए थे हम। याद है क्या वो दिन तुम्हें जब स्कूल में थे हम? याद है वो स्कूल पिकनिक वाला टाइम जब क्लास में पिकनिक के फॉर्म्स मिलते थे? इतने एक्साइटेड रहते थे हम कि उसी वक्त फॉर्म को पूरा फिल कर देते थे। रात भर नींद ही नहीं आती थी, सुबह बिना मम्मी की आवाज दिए झट से उठ जाते थे, खुशी साफ साफ चेहरे से ही झलकती रहती थी। उस दिन अपने टाइम से स्कूल पहले ही पहुंच जाते थे। फोन लाना अलाउड होता था उस दिन, तो हर मोमेंट पे अपनी एक तस्वीर कैद होती थी। चुपके से क्रश की फोटो भी खींच ही लेते थे, फोन में भी तो होनी चाहिए ना, दिल में तो हमेशा ही होती थी। फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए बस में सफर होता था, अब पूछो मत वो सफर लाजवाब कितना होता था। बस की सीट पे बैठने को तो फुर्सत कहाँ थी, पीछे नाचते झूमते अंताक्षरी चल रहा होता था। एक बंदा ऐसा था ही जिसको पूरा वॉल्यूम बनाता था, तब वो भी बिना शर्म के बस में चिल्ला चिल्ला के गाता था। पहुंच जाने पर हम सारे ग्रुप में बैठ जाया करते थे, कितने ही ठीक ठाक दोस्त वहां से ब्रोस बन जाया करते थे। अगले दिन भी बातें पिकनिक की होती थी, उन मस्तियों में यादों में इतने मशगूल थे हम। याद है क्या वो दिन तुम्हें जब स्कूल में थे हम? याद है वो स्कूल फेयरवेल वाला टाइम जब एक्साइटमेंट के साथ साथ अंदर एक उदासी भी थी। एक्साइटमेंट इसलिए कि सूट बूट पहने और साड़ी में लड़कियों को देखेंगे, उदासी इसलिए कि स्कूल पार होने की अभी आखिरी सीढ़ी थी। पूरा सज धज के पहुंच गए स्कूल तक और लड़कियां तो ऐसे सजी थी मानो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही है क्या जो कोने में बैठी रहती थी जल्दी सी। सबका रूप एकदम निखर निखर के बाहर आ रहा था, किसको ताड़े कितना ताड़े समझ नहीं आ रहा था, एक अंदर से मिली नहीं रही थी तसल्ली सी। फिर 11th क्लास को हम रहे या ना रहे गाना जरूरी था, मजबूर हमें ये गाना सुनना जरूरी था। वो प्रिंसिपल की आखिरी स्पीच को वो पहली बार की तरह इग्नोर किया, उन्हें लगा हम ध्यान से सुन रहे थे पर वो आखिरी बार था इसीलिए ज्यादा शोर किया। फिर पंजाबी गानों पे मस्त नाचे वो सारी बोर्ड्स की चिंता को हटा के, कहीं ना कहीं लग रहा था सब छूट रहा है और यादें सारी ले जा रहे थे यहां से। जाते वक्त टच में रहने का वादा किया पर ये वक्त ने मुकम्मल होने कहां दिया। पर उस दिन वो आखिरी दिन वो स्कूल की उस जगह पागलों की तरह झूम रहे थे हम। याद है क्या वो दिन तुम्हें? Institution that is DAV Public School CWS Jayant, and I'm really happy to see you today. Although I have not been here when you were the students of this school, but it is always a happiness to meet the old students when they want to visit their schools where they have studied, and it's a matter of great pleasure to know about you that after passing out from this school you have soared very very high, and today some of you are engineers, some of you are doctors, some of you are still getting a higher education at different places, which is really a matter of great pride for us. And I would also like to say that DAV institutions all over India are very beneficial in this field in giving education to the students in science and technology along with the Vedas and Shastras. Therefore, it is a matter of great pride for us that we educate the children, we educate our students completely along with the Havan, along with the Vedas and Shastras and all the teachings of old ethics and the ways, etc.
Therefore, this is the difference between the DAV institutions and other institutions. And it was real. I'm really glad to meet you all. जिंदगी अधूरी है इन लम्हों के बिन, काश कोई लौटा दे स्कूल के वो दिन। जिंदगी की हम अपनी भागदौड़ में अपने स्कूल, कॉलेज, अड़ोसी पड़ोसी सभी दोस्तों को भूल जाते हैं, तो क्यों ना ये वीडियो इन्हीं लोगों को दिखाई जाए और इनको बताया जाए कि ये लोग हमारे लिए कितने जरूरी हैं।